सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक की 5 जबरदस्त सेटिंग के बारे में, जिसको करने के बाद आपकी वीडियो पर वॉच टाइम इंक्रीज होएगा एंड आपके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। कुछ पर्सन कमेंट करते थे कि भाई वीडियो अपलोड करने के बाद पता नहीं वीडियो का क्वालिटी कम हो जाता है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपकी वीडियो पर वॉच टाइम इंक्रीज होता है तो आपकी वीडियो ज्यादा रैंक करती है, टिकटॉक ज्यादा बंदों को सजेस्ट करता है, तो उसके बाद व्यूज मिलेंगे, देन लाइक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब वॉच टाइम अच्छा आएगा। तो देर किस बात की है, आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। यार आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने टिकटॉक कितना टाइम पहले स्टार्ट किया था, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 मंथ पहले, 2 मंथ्स पहले या लास्ट मंथ आपने स्टार्ट किया था, कमेंट करके जरूर बताना। साथ के साथ ये जरूर बता देना आपकी वीडियो पर हाईएस्ट कितने लाइक्स गए हैं एंड कितने व्यूज टिकटॉक ने कराए हैं, हाईएस्ट जरूर बताना कमेंट करके। टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको मी पर क्लिक करना है, मी पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट प्रेफरेंस, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। देन यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पर इंग्लिश लिखा हुआ दिख सकता है, तो आपको ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करके सबसे पहले यहां से इंग्लिश सिलेक्ट करके डन कर देना है, फिर से आपको ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करना है एंड थोड़ा नीचे की तरफ आपको चलना है, यहां पर आपको हिंदी लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको हिंदी को सिलेक्ट करके डन कर देना है। इससे आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक आप हिंदी में वीडियो बनाते हो टिकटॉक का एल्गोरिथम समझ जाएगा कि ये बंदा हिंदी कंटेंट बनाता है एंड इसने इंग्लिश सिलेक्ट किया हुआ है, तो इंग्लिश आपको हटाना नहीं है, वहां पर हिंदी ऐड कर देना है बस। सेकंड, यहां पर आपको मी में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। अगर आपके टिकटॉक में एनालिटिक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप ये वाला वीडियो देखो, आ जाएगा इसे देखने के बाद। तो आपको एनालिटिक्स में क्लिक करना है, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ओवरव्यू, कंटेंट एंड फॉलोवर्स। तो आपको ओवरव्यू में थोड़ा नीचे की तरफ चलना है, यहां पर आपको फॉलोवर्स, प्रोफाइल व्यूज 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहां पर आपको प्रोफाइल व्यूज में ये चेक करना है कि मेरी प्रोफाइल पर कितने बंदे हर रोज विजिट कर रहे हैं, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। ये देखो अप्रैल 22 में मैं जैसे ही क्लिक करता हूं आप देख सकते हो 1.2K 1200 बंदे मेरी प्रोफाइल पर आए junnu.01 पर। एंड अब आपको फॉलोवर्स चेक करने हैं, अप्रैल 22 में मेरे 137 फॉलोवर्स बढ़े, तो देखो आप खुद देखो, मतलब 1200 लोग मेरी प्रोफाइल पर आए एंड केवल 137 ने फॉलो किया। चलो इसको छोड़ देते हैं, अब मैं आता हूं 28 पर। जैसे ही मैं 28 पर क्लिक करूंगा 792 बंदे मेरी प्रोफाइल पर आए एंड 28 में केवल एक बंदे ने भी फॉलो नहीं किया, मतलब एक फॉलोवर्स कम हो गया। तो यहां से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है कि आपको अपना कंटेंट एंड रेगुलर रहने की जरूरत है, कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है, रेगुलर रहने की जरूरत है। तो आप यहां से पता कर सकते हो कि कितने बंदे प्रोफाइल पर आ रहे हैं एंड कितने बंदे हमें फॉलो कर रहे हैं या कितने अनफॉलो कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि आपके कंटेंट में दम नहीं है। थर्ड, यहां पर आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड एक ऑप्शन मिलता है आपको डाटा सेवर। आप जैसे ही डाटा सेवर पर क्लिक करोगे ये आपका ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। शायद आपको किसी ने बताया होगा कि आप डाटा सेवर को ऑन कर लीजिए, आपका डाटा कम यूज होगा, टिकटॉक पर ज्यादा MB इस्तेमाल नहीं होंगी, तो आपने इसको ऑन कर लिया होगा। अगर आप इसको ऑन करने के बाद टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करते हो तो आपकी वीडियो का क्वालिटी कम हो जाता है, तो इसको आप चुपचाप ऑफ कर दीजिए, उससे आपका वीडियो का क्वालिटी कम नहीं होगा। फोर्थ, कुछ पर्सन हैशटैग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुए रहते हैं, बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं, उसके बाद माइंड में यही चलता रहता है कि कौन सा हैशटैग लगाऊं, तो थोड़ा मैं आपको हैशटैग के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको फिर ये डाउट नहीं रहेगा कि यार हैशटैग कौन सा लगाऊं, आपके माइंड में खुद से आ जाएगा। तो जानिए यहां पर मैं अभी एक नॉर्मल सा वीडियो को शूट कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, थोड़ा 10-15 सेकंड का होने देते हैं, थोड़ा इतना आप ये देखो यहां पर क्या क्या
रखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड देखो मेरी शक्ल थोड़ी गोरी दिख रही होगी बिकॉज मैंने F3 फिल्टर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, वीडियो को रोक दिया, वो बंद गया। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले तो यहां से अपना कोई भी मस्त सा कवर सिलेक्ट कर लेना है। कवर को सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्राइब यूअर वीडियो, तो यहां पर आपको एकदम मस्त सा कैप्शन लगाना है, कुछ भी। मैं तो फिलहाल जस्ट एग्जांपल के लिए हे व्हाट्स अप गाइस, जो भी आपका है, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो, आपको वो कैप्शन लगा देना है। तो यहां पर आपको हैशटैग कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। अगर आप कपड़े चेंज करने वाला वीडियो बना रहे हो तो आपको हैश लगाकर यहां पर ट्रांजिशन लिखना है, ठीक है। अगर आप ट्रांजिशन लिखोगे तो कोई भी बंदा ट्रांजिशन सर्च करेगा और आपने वीडियो को पोस्ट किया है वहां पर आपका वीडियो आएगा, ठीक है। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। आप मिस्टर फैजो को तो जानते ही होंगे, उनका खुद का एक हैशटैग है #FaizoSquad। अगर आपने अभी तक अपना खुद का हैशटैग नहीं बनाया तो मेरे भाई अभी के अभी बना लीजिए। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि खुद का हैशटैग बनाते कैसे हैं, ये वाला वीडियो देखो, आपको खुद का हैशटैग बनाना आ जाएगा। जैसे मैंने अपना हैशटैग बनाया हुआ है #JunnuKiTeam, उस हैशटैग को हर एक वीडियो में इस्तेमाल कीजिए। खुद का हैशटैग बनाने का ये फायदा है, अगर कोई और बंदा आपका हैशटैग इस्तेमाल करता है और उसका वीडियो वायरल हो जाता है तो वो जितने भी व्यूज उस बंदे के वीडियो पर आएंगे वो सब व्यूज काउंट होकर आपके हैशटैग में आ जाएंगे। एंड जब आपके हैशटैग पर व्यूज बढ़ेंगे एंड दूसरे बंदे को पता चलेगा ये तो इस बंदे का हैशटैग है, तो उससे आपका फेस वैल्यू बनेगा। जैसे मेरा जुन्नू की टीम है एंड आप खुद देख सकते हो कितने 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहे हैं बिकॉज दूसरे बंदे इस्तेमाल करते हैं, उन सब के व्यूज काउंट होकर हमारे हैशटैग में आ जाते हैं। एंड टिकटॉक के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये बंदे का हैशटैग तो काफी पॉपुलर हो रहा है तो आपका वीडियो टिकटॉक का एल्गोरिदम खुद से वायरल करता है। तो अभी बना लीजिए अपना हैशटैग, क्या प्रॉब्लम है। एंड आपको ये वाला हैशटैग इस्तेमाल करना है #FYP, इसका मतलब होता है फॉर यू पेज। एंड अगर आप किसी ट्रेंड पर वीडियो बना रहे हो तो वहां पर आपको #trend लगाना है एंड हैश लगाकर टिकटॉक न्यू ट्रेंड लगाना है। इससे टिकटॉक के एल्गोरिदम को ये लगेगा कि ये ट्रेंड चल रहा है, इस बंदे ने ट्रेंड पर वीडियो बनाया है। एंड जब आप ट्रेंड पर वीडियो बनाते हो तो आपका वीडियो वायरल हो ही जाता है। एंड कुछ बंदे ये सर्च करते हैं टिकटॉक न्यू ट्रेंड या ट्रेंड, उससे क्या होगा, आपका वीडियो उनके पास जाएगा, याद रखना। एंड अगर आप सॉन्ग पर लिपसिंग कर रहे हो तेरी प्यारी प्यारी चार अखियां, दो अखियां, तो आपको वहां पर लगाना है तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। उससे क्या होगा, टिकटॉक एल्गोरिदम को यह पता चल जाएगा इस सॉन्ग में, इस वीडियो में इस बंदे ने लिपसिंग किया है, इसलिए यह वाला हैशटैग लाया है। आई होप आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ एंड लास्ट, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ये फायदा होने वाला है कि आपकी वीडियो पर अच्छा एंगेजमेंट बनेगा। जो बंदा आपकी वीडियो को देखेगा वो आपके ऊपर है, आप उसको अगेन एंड अगेन अपना वीडियो दिखवा सकते हो। वो सब कैसे होता है जानिए। सबसे पहले तो आप ये वाला वीडियो देखो, आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो यार मैं आपको खुद समझा देता हूं इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि आपको क्या करना है। जब आप किसी भी वीडियो को पोस्ट करते हो तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कुछ भी लिख देना है, मैं जुनेद लिख देता हूं, जुनेद या कुछ भी फिलहाल लिख देता हूं। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, इससे ये व्हाइट व्हाइट हो जाएगा चारों तरफ। एंड यहां से आप एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, जो एनिमेशन देना चाहो वो वाला यहां से दे सकते हो। ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं डन पर क्लिक करता हूं। डन पर क्लिक करने के बाद इसको कहीं कहीं पर लगा दूंगा, कुछ इस तरीके का वीडियो आप इससे ही बना सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप यहां पर क्लिक करोगे, इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक टाइमर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया सेट ड्यूरेशन, तो मैं सेट ड्यूरेशन पर जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे हाथों में मैं जहां से जहां तक इसको लगाना चाहूं वहां से वहां तक लगा सकता हूं। देन राइट के निशान पर क्लिक करूंगा, अब ये मेरा वीडियो चलता रहेगा और बीच में ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। एंड आप इससे कुछ इस तरीके का वीडियो बना सकते हो, एंड इस तरीके की वीडियो पर एंगेजमेंट ज्यादा अच्छा बनता है, लोग अगेन एंड अगेन देखना पसंद करते हैं। तो आपकी वीडियो पर अच्छा वॉच टाइम आएगा, आपकी वीडियो पर अच्छे लाइक्स आएंगे, तो काम हो जाएगा। कुछ भाई बहन तो इस वाले टेक्स्ट एंड स्टिकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, एंड जो भाई भी करते हैं उनकी वीडियो पर जाकर देखा करो, अच्छे व्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन दोनों से। तो यार इनको इस्तेमाल किया करो, कहां हो आप अभी तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सेटिंग या
या कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी, 1, 2, 3 या 4 या 5, जरूर बताना। और हाँ गाइस, तुम्हारे भाई ने न्यू व्लॉग पोस्ट किया है, आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्लिक करके देखो यार। एंजॉय करो, मजे करो, 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 एंजॉय करो, मजे करो। यहाँ पर क्लिक करके जुन्नू की टैग को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।